नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एट जीओवी जॉब्स पे। दोस्तों अपन बात कर रहे थे रीजनिंग की, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों कैलेंडर। दोस्तों आज कैलेंडर का जब अपन तीसरा पार्ट करेंगे, इससे पहले दो पार्ट अपने हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपन आज जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, और अलग अलग प्रकार के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हमारा चैनल है टारगेट एट जीओवी जॉब्स, और ये जो इमेज आपको दिख रही है ये हमारी क्या है, प्रोफाइल भी है, यानी हमारा थंबनेल है ये हमारे चैनल का, ठीक है दोस्तों। अगर यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे सर्च कीजिए टारगेट एट जीओवी जॉब्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा। ऑप्शन ए है बुधवार, ऑप्शन बी है शुक्रवार, ऑप्शन सी है रविवार, ऑप्शन डी है सोमवार। दोस्तों तो देखो 1 अक्टूबर को रविवार तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखिए दोस्तों एक चीज बताओ मुझे, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कितने दिन होते हैं दोस्तों, कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अब दोस्तों 31 दिन होते हैं, मैंने एक चीज बताई, एक बार जो है ना वो कब रिपीट करता है अपने आप को, 7 दिन के बाद। तो अपन भाग दे देंगे 7 का, क्योंकि 1 सप्ताह का भाग देंगे तो उतने सप्ताह यानी उतने बार क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे 28। रिमाइंडर कितना बचा, 4 बार गया, 28 रिमाइंडर कितना बचा, 3। देखिए अब क्या करना है, ये रविवार जो है ना इसमें क्या करना है, +3 करना है, यानी रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा। आपको क्या करना था, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के बीच में कितने दिन है वो निकालने, 31 दिन है दोस्तों, और 31 में अपन 7 का भाग देंगे, क्योंकि अब कोई भी बार अपने आप को 7 दिन के बाद रिपीट करता है, यानी हर 7 दिन से क्या होगा, रविवार निकलता जाएगा, हर 7 दिन से रविवार निकलता जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि 28 तारीख तक तो क्या होगा, 29 तारीख को तो क्या होगा दोस्तों, रविवार ही होगा, लेकिन 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, बुधवार होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 3 दिसंबर 1990 रविवार हो तो 3 जनवरी 1991 किस दिन होगा। तो देखिए दोस्तों किस दिन होगा कि 3 दिसंबर 1990 और 3 जनवरी 1991, इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने दिन हैं, 90 और 91, यानी दिसंबर से जनवरी। इसमें दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं, पहले वाले में क्या कोड यूज करके पहले वाले का निकालो, दूसरे वाले का कोड यूज करके निकालो, लेकिन अपने को ये नहीं करना, क्योंकि अपने को शॉर्ट ट्रिक करनी है। ये तब करते जब 1990 दिया था, 1995, मतलब साल का ज़्यादा गेप होता, तब अपन उसका क्या करते यूज करते। इसमें कुछ दिनों का ही अंतर है, देखो 3 दिसंबर 1990 से 3 जनवरी कितने दिन हो गए दोस्तों, 31 दिन हो गए भाई, कितने दिन हो गए देखो अपन काउंट करके देख लेते हैं। 3 दिसंबर से क्या 3 जैन के बीच में कितने दिन हो गए दोस्तों, देखो दिसंबर होता है 31 का, 31 में से 3 घटाओ कितने हो गए, 28। अब आगे वाले 3 जोड़ दो तो कितने हो गए, 31, वही 7 का भाग दे दो, 28 रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 3 रिमाइंडर कितना बचा, 3। यानी कि ये जो रविवार दिया है, इस रविवार में क्या करना है आपको, क्या करना है दोस्तों, प्लस क्या करना है आपको, 3 करना है। जब +3 करना है तो उत्तर कितना आएगा दोस्तों इसका, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और क्या, बुधवार, यानी अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कल से पहले का दिन शनिवार था तो परसों किस दिन पड़ेगा। देखो कितने दिनों की बात की है, कल, आज आज अपन करें तो बात कर रहे हैं कल की, तो ये तो हो गया कल, एक कल, फिर आज, और फिर पूछा परसों, यानी आने वाला कल और परसों, तो बात यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे है मान लो, और यहाँ पे क्या है, सैटरडे है दोस्तों, यहाँ पे क्या सैटरडे है, शनिवार है, किस पहले का दिन, आज से पहले का दिन, सॉरी माफ करना दोस्तों, ये क्या है, इस दिन क्या है दोस्तों, इस दिन है सैटरडे, इस दिन सैटरडे है, तो आज क्या होगा, रविवार होगा, कल क्या, सोमवार, और परसों क्या, मंगलवार। कब का पूछा है, परसों का, परसों क्या वार होगा दोस्तों, मंगलवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा आपका,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक दोनों दिन अगर शामिल हो तो कितने दिन रहेंगे? इसमें वार नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है दोस्तों, आपको दिन पूछे, ठीक है। तो आपको क्या करना, 26 जनवरी 1996 से तो आपको दिन काउंट करने, देखो जनवरी 31 का होता है, कितने दिन बच गए, 26 को काउंट करना लिखा हुआ है, दोनों दिन शामिल है, 26 जनवरी भी हो और 15 मई भी हो, तो 26, 27, 28, 29, 30 और 31 कितने दिन, 6 दिन प्लस। अब देखो 1996 लीप ईयर है कि नहीं, ये 4 का भाग देके देख लो, 4 चौक 16 और कितने बच गए, 3, 36 फिर 3, यानी लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी 29 का, फिर मार्च 31 का, अप्रैल 30 का और मई में कब तक, 15 मई तक। ये क्या करना आपको जोड़ना है, देखो दोस्तों जोड़ो, 9 और 6 कितना हो गया, 15 और 1 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, हासिल कितना, 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 11, कितने दिन हो गए, 111 दिन हो गए दोस्तों, कितने हो गए, 111, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों आपका सही है, कितने दिन हो गए आपके, 111 दिन हो गए दोस्तों, 111 दिन ही हो रहे हैं क्या, देखो 26 जनवरी 26 27 28 29 30 और 31, 6 दिन, ये लीप ईयर है तो 29 हो गया फरवरी, फिर मार्च 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, मई 15 दिन दिए हुए, दोनों दिन इसमें शामिल किए गए हैं, 26 भी कर लिया और 15 भी कर लिया, तो 29 30 30 60 30 90, 105 105 और 6 कितना हो गया, 111 111 दिन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, इसमें सीधा सीधा पूछा है आपसे कि 11 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था, पेन चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, 11 मार्च को सप्ताह का, 11 मार्च 2012 को, तो इसमें क्या करना है आपको, कोड यूज करना है दोस्तों, देखो कोड कैसे यूज करना है, सबसे पहले डेट मैंने आपको बताई, फिर मंथ का कोड, मार्च का क्या कोड आगा, मार्च है 3rd महीना, और मैंने बताया 3 3 के पेयर में याद करना, 0 33, तो 33 मतलब 0 जनवरी, 3 फरवरी और 3 क्या मार्च, 3 प्लस सदी का कोड, 2000 का कोड कितना होगा दोस्तों, हमने 1600 को बताया था 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0, फिर 2000 का कितना 6, फिर 6 आ गया प्लस, फिर आ गया 12, 12 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है, किसका भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों 4 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। अब देखो 7 कटर विधि से 7 से काटेंगे, कितनी बार, 1 बार, कितना 4, 4 और 3 को यहाँ मैं काटता हूँ, 7 से कट गया, फिर देखो यहाँ पे 12 कट जाएगा, कितना बच गया, 5, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 बटा कितना 7, कितना 2 बार, रिमाइंडर कितना दोस्तों, रिमाइंडर बचा आपका कितना 0, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0 बचा दोस्तों, जब रिमाइंडर 0 बचा तो 0 का मतलब मैंने क्या बताया था, 7 आए या 0 आए, तो क्या आएगा, रविवार, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा, सही उत्तर क्या होगा, रविवार होगा दोस्तों इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है, 31 मई 2020 को सप्ताह का क्या है, कौन सा दिन है, ये आपको पता करना है दोस्तों। मैं क्वेश्चन आपसे आपको जल्दी जल्दी करवाऊँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों कर सकें, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके चला लेना या कमेंट में मेरे को आप बता देना, कमेंट कर देना उस क्वेश्चन का, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं 31 मई की, देखिए अभी वही तरीका, डेट, महीने का कोड, मई कौन सा महीना होता है, पाँचवा महीना होता है, 0 33 614, यानी 0 33 3 614 कितना 1, मैं पाँचवा महीने का क्या कोड क्या बताया मैंने, 1 लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया 1 प्लस सदी, 2000 का अभी अपन ने पता किया कितना 6 प्लस 20, पता करना है लीप ईयर है कि नहीं, किसका भाग
चार का कितनी बार? पांच बार। भाग किससे? सात से। यहाँ पे कितना है दोस्तों? यहाँ पे है आपका पांच, ठीक है। तो सात से काट तो 28 कितने बच गए? तीन, छः और एक, सात को क्या मैंने काट दिया। यहाँ पे कितने बच गए? यहाँ पे बच गए दोस्तों आपके सात और पांच, ये दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 25। सात रे 21, कितना बच गया? चार। चार और तीन कितना हो गया दोस्तों? सात, और 7/7 बराबर क्या? 0। रिमाइंडर क्या है दोस्तों? 0। और 0 का मतलब अभी मैंने बताया क्या? रविवार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, यानी रविवार आपका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 2012 की बात कर रहे हैं। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों, 5 मार्च 2012 की क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है, ठीक है। 5 मार्च 2012 की बात कर रहा है और पूछा कब है? 5 नवंबर 2012 है। तो दोस्तों आपको क्या करने, या तो उस तरीके से अभी जो अपन कर रहे थे उस तरीके से निकालो, या डेट काउंट करके निकालो। देखो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 26। डे काउंट कर लो, 26 प्लस अप्रैल कितना? 30। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और कितना? नवंबर। ऐसे ही अपने को निकालना पड़ेगा, तो ऐड कर लेते हैं सबका, ठीक है। सबका क्या कर लेते हैं दोस्तों? ऐड कर लेते हैं। चाहो तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, चलो उस तरीके से निकाल के बता देता हूँ आपको। देखिए 5 मार्च का कोड कितना? 3। 2000 का कोड भी देखा, 6 प्लस कितना? 12। भाग देना किसका? 4 का, कितनी बार? 3 बार। किससे डिवाइड करना? 7 से, ठीक है। इन दोनों को काट के कितना बचा? 1। 5 और 3 कितना? 8। 8 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 1। 6 और 1 7, 7 का भाग दिया 7 में, रिमाइंडर कुछ नहीं। ये कितना? 12 और 3 15, 15 का 15 में भाग देंगे 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 1। और 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों? सोमवार दिया, इसका मतलब वही एक्चुअल डेट लिखनी है अपने को। एक्चुअल डेट लिखनी, तो 5 नवंबर 2012 का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? 5 नवंबर 2012 का। देखो डेट नवंबर, कौन सा महीना? 11वां महीना। तीन तीन के पेयर में याद करो, 3 3 6 3 9, यानी सेकंड लास्ट की बात करें, थर्ड के जो तीन होते हैं वो होते हैं 0 35। तो सेकंड लास्ट में कितना? 3 प्लस 2000 का भी बताया, 6। 12 में भाग देंगे 4 का, लीप ईयर का पता करने के लिए 4 का भाग दिया कितनी बार? 3 बार। काट तो 7 का भाग दे दो दोस्तों, कितना बार? 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। 8, रिमाइंडर 1। 6 और 1 कितना कट गया? 7। ये 15, ये क्या कट गया दोस्तों? 15 कट गया। ये कितना हो गया? 12 और 3 15, 15 में 7 का भागने के रिमाइंडर कितना? 1। और 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोमवार। यानी इस डेट को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2007 को मंगलवार था, 5 जून 2006 को कौन सा दिन था? देखो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे अब ये 7 से क्या दे दिया? 6 दे दिया, या 6 से 7 दे दिया, तो आपको क्या करना है? आपको वो दिन काउंट नहीं करने है। जब आपको लगे कि दिन जोड़ने में अपने को ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप ये वाला मेथड क्या कर लेना, आप यूज कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ये इसकी बात करते हैं। 5 जून को, यानी 5 प्लस जून, कौन सा महीना होता है? कौन सा? मई के बाद में आता है जून, तो जून कौन सा हो गया? छठा महीना। छठवे का कोड, यानी 3 3 के 2 पेयर, 0 33 614, यानी 4। 2000 का भी बताया, 6। 7, 7 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार? 1 बार। कितना बच जाएगा? सॉरी रिमेंड नहीं, भाग पल, कितना बार? 1 बार। 1 लिख दिया, भाग किसका? 7 का। दोस्तों इसका ऐसे मैं कर सकता हूँ, 7 से 7 वाला काट दिया, 6 और 1 7, ये काट दिया, 5 और 4 कितना? 2। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 2। 2 का मतलब आपको पता ही है, कौन सा वार? मंगलवार। कौन सा? मंगलवार। क्या दिया हुआ आपको? मंगलवार दिया, मतलब सेम डेट ही अपने को क्या करनी है दोस्तों? लिखनी है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे सोमवार दिया रहता है, तो मतलब जो एक्चुअल जो वार है ना, जो दिन है, उससे क्या माइनस एक, लेकिन यहाँ पे माइनस एक नहीं किया हुआ ना, प्लस एक कुछ नहीं किया हुआ, जो एक्चुअल जो डे था ना वही बताया गया है। अब 5 जून 2006 का निकाल लो, 5 प्लस जून, छठा महीना, छठे महीने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0 33 614, 4 प्लस 2000 का अभी बताया 6, फिर 6 भाग देंगे किसका, 4 का, किसका भाग, 4 का, कितनी बार, एक बार, सॉरी कितनी बार, एक बार, प्लस एक कर दूं यहाँ पे, किसका भाग, 7 का भाग। दोस्तों देखो 6 और एक कितना, 7 काट दिया, 5 और 4 कितना, 9, 9 से 7 को काटा तो कितनी बार कटा दोस्तों, एक बार, रिमाइंडर कितना बचा, 2, 6 और कितना हो गया, 7, 8, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 1। एक का मतलब कौन सा वार है, सोमवार है, एक का मतलब कौन सा वार है, सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सही उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था दोस्तों। देखिए 29 जुलाई की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या, डेट जुलाई, कौन सा महीना, कौन सा महीना, सातवां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सातवां महीना। तो कोड कैसे निकालेंगे, तीन तीन के पेरे में से 6 घटा के फिर नेक्स्ट वाला, यानी 0 33 614, 6 घटा दिया, फिर 625, यानी कितना, 6। 1900 का कोड मैंने कितना बताया दोस्तों आपको, 0, बस याद कर लें, 16 17 18 19, यानी 0। फिर 69, 69 में भाग किसका देंगे, 4 का देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, देखो 6 में कितनी बार गया, एक बार, कितना बच गया, 2, 7 जो कितना, 28, तो कितना, 7 17 बार भाग किसका देंगे, 7 का, 7 चौक 28, कितना बच गया, 1, 6 और 1 7 कट गया, ये 17 से काट देंगे, 7 2 14, 3 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 69 को काटेंगे तो 63, भाई 63 और कितना बच गया, उसके बाद 6 बच गया, भाई 7 का भाग देंगे 69 में तो 9 7 63, 63 तो कितना बच गया, 6। अब 6 और 3 कितना हो गया, 10, तो रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना बच गया, 3, और 3 का मतलब आपको पता है कौन सा बार, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो अलग क्वेश्चन, या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, कोई भी आपके मन में विचार हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जिस पे भी आप उसको भेज सकते हो दोस्तों, वहाँ पे क्या करें आपको, FB पे इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल है target@gov.jobs। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखाई देगा, और वहाँ पे आपको टाइप करना है target@gov.jobs, ऐसा आपको थंबनेल मिलेगा इस टाइप का, और वहाँ पे आपको उसको ओपन करके क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।